विकेट। अब तक आप सभी ने इन सारे टेबल गेम्स को देखा होगा या खेला होगा, लेकिन दोस्तों पिछले वीडियो में हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें इन कमेंट्स को शेयर किया था, तो क्या हम इस टेबल क्रिकेट गेम को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से बना पाएंगे। तो अब तक हम इस गेम को क्रिकेट के ग्राउंड में, गली में और मोबाइल फोन में खेलते आ रहे थे, और दोस्तों पिछले महीने में हम इस गेम को गूगल पे में भी खेलने लगे। अरे कहना क्या चाहते हो, अब इसमें इतना मजा आ रहा है तो सोचिए दोस्तों कि टेबल क्रिकेट में कितना मजा आएगा। तो दोस्तों हमारे इस टेबल क्रिकेट गेम में हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है दो प्लेयर्स। तो सबसे पहला है दोस्तों बॉलिंग करने वाला और दूसरा है बैटिंग करने वाला, और इनसे भी दो चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बैट और बॉल। और आप सभी को पता ही होगा कि विदाउट बैट कोई भी गेम नहीं खेला जा सकता है, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ बैट को, और उसी के साथ हम यहाँ पे बॉलिंग के लिए इस लीवर को ऐड करते हैं, यानी वो उसके हाथ से बॉल को डाल सकता है। और इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पे और एक पॉइंट को ऐड करेंगे जहाँ पे बॉल को होल्ड किया जा सकता है, और उसी के साथ अब हम ऐड करेंगे स्टंप्स को। और दोस्तों ये स्टंप्स बहुत ही इजीली हम असेंबल कर सकते हैं जब विकेट गिरेगा। तो उसी के साथ अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं ग्राउंड को। तो यहाँ पे हमारा जो क्रिकेट का पूरा गेम है दोस्तों यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बार गेम को एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये रहा हमारा बॉलर जो हमारे इस हैंड के लीवर की मदद से बॉलिंग करेगा, और दोस्तों इसके जो बॉल का पॉइंट है यानी यॉर्कर डालेगा या बाउंसर, वो कुछ इस वाले लोकेशन यानी इस वाले लीवर की मदद से कंट्रोल करेगा। अब दोस्तों बारी है बैटिंग की, और बैटिंग के लिए हमने यहाँ पे सिंपल एक लीवर मैकेनिज्म को यूज किया है जिसकी मदद से हम बॉल को हिट कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप सभी ने क्रिकेट के गेम को मोबाइल फोन्स में खेला ही होगा, बैटिंग करते समय हम उस पर्सन को इधर उधर स्लाइड करवा के बॉल के अनुसार उसे एडजस्ट करते हैं। तो हम सेम उसी सेटिंग को यहाँ पे हमने बनाया है और उसे कुछ इस तरीके से सेट किया है। अब यहाँ पे हमारा पूरा गेम बन के तैयार हो चुका है, तो इसे हमने 3D प्रिंटर में प्रिंट कर लिया है। अब चलिए इन सारे पार्ट्स को असेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा टेबल क्रिकेट गेम। तो अगर विकेट गिरने के बाद हमारा स्टंप्स कुछ इस तरीके से गिरेगा, तो हम इसे आसानी से कुछ इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे हमारे इस बॉल को हमारे बॉलर, अब बॉलर का नाम आप ही फिक्स कर दीजिए। तो अब मैं यहाँ पे हमारे इस बॉल को कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ, और हम स्टंप्स को यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 3-2-1, वाओ विकेट, बॉलर बहुत ही तेजी से भागता हुआ आ रहा है और ये गया विकेट। तो कुछ इस तरीके से हम इस गेम को खेलने वाले हैं। तो अब हम इन स्टंप्स को फिर यहां से लगा लेते हैं। अब बारी है बैटिंग की, तो मैं हमारे विराट पाजी को ऑन द ग्राउंड यहां पे बुला रहा हूं। तो आप दोस्तों कमेंट में ऐड कीजिएगा आपका फेवरेट प्लेयर कौन है। तो हमारे विराट पाजी यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब हम बैटिंग किस तरीके से करने वाले हैं, मैं उसे आपको यहाँ पे यानी डेमो की तरह दिखाऊंगा। तो ये रहा हमारा बॉल, तो अब हम बैट को कुछ इस तरीके से हिट करने वाले बैट को, और यहाँ पे हमारा कंट्रोलर है, और अब हम हमारे प्लेयर को यानी हमारे विराट पाजी को कुछ इस तरीके से स्लाइड करवा सकते हैं बॉल के एडजस्टमेंट के अनुसार। तो अब हम यहाँ पे बॉल को ट्राई करके देखते हैं हिट करके। तो हमारा बॉल कुछ इस तरीके से यहाँ पे बाउंस करेगा, ओ तो हमें और एक बार ट्राई करना चाहिए। वो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरीके से हमारा बॉल यहाँ पे हिट किया जा रहा है। यस, और एक बार
बॉल पूरे स्टेडियम के बाहर जा चुका है। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे हमारा पूरा टेबल क्रिकेट का सेटअप बन के तैयार हो चुका है। अब चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले बॉल पे चौका झाड़ दिया है और दूसरे बॉल पे दो रन और यहाँ पे अब सिंगल। चलिए दोस्तों यहाँ पे मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया। यहाँ पे अब डॉट बॉल और यहाँ पे दो रन और यहाँ पे ओ, तो ये लेग बाय है। चीटिंग करता है तू। चीटिंग कहा दोस्तों, बड़े बड़े अंपायर ही इनके सेंचुरी के टाइम पे वाइड देने से डर जाते हैं, तो हम तो उनके फैन है, इतना तो बनता ही है। और यहाँ पे हमारे विराट पाजी का 50 कंप्लीट हो चुका है और हमें इस टेबल क्रिकेट गेम में और कहाँ कहाँ चेंजेस करना चाहिए आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ऐड कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।